आइए राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया पंचदेवरी गोपालगंज के बारे में जानते हैं। इस स्कूल की स्थापना सन 2006 में हुई थी। कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 6 है तथा कुल अध्ययनरत छात्रों की संख्या 374 है। पहले 2010 तक विद्यालय में भौतिक संसाधनों की घोर कमी थी, लेकिन वर्तमान प्रधानाध्यापक की सूझबूझ एवं दूरदर्शिता से आज भौतिक रूप से भी विद्यालय काफी समृद्ध है। आज कुल 5 कमरे पूरी तरह स्मार्ट क्लास की सुविधा से युक्त हैं। 3 कमरा को भी हर तरह से सुसज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय को विद्यालय शिक्षा समिति का भी भरपूर सहयोग मिलता है। शिक्षा से सरोकार रखने वाले लोग भी समय समय पर विद्यालय का भ्रमण करते हैं और विद्यालय के सबल पक्ष को सराहते हैं और बेहतरी हेतु बराबर उनका अमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते रहता है। चूंकि विद्यालय एनएच के ठीक बगल में अवस्थित है, तो असामाजिक तत्व भी बीच बीच में विद्यालय को क्षति पहुंचाते रहते हैं। विद्यालय का सुरम्य वातावरण, अच्छा मध्यान्ह भोजन, बेहतरीन शौचालय, साफ सुथरा यूरिनल, सैनिटरी पैड बैंक आदि बच्चों में ठहराव और आकर्षण को बढ़ाते हैं। बच्चे साफ सुथरे गणवेश में विद्यालय आते हैं और स्वच्छ आदतों को प्रदर्शित करते हैं, जो विद्यालय का एक बड़ा आकर्षण है। वर्गसापेक्ष दक्षता के विकास हेतु सत्र के प्रारंभ में 2 माह तक कमजोर बच्चों हेतु विशेष शिक्षण की भी व्यवस्था विद्यालय में है। वर्ग कक्ष का स्मार्ट क्लास और टाइल्स युक्त अलग अलग शौचालय बच्चों हेतु एक विशेष आकर्षण है। विद्यालय में वर्ग कक्ष के अंदर की दीवारें और बाह्य दीवारों पर महापुरुषों के चित्र एवं उनकी वाणी को सम्यक स्थान दिया गया है। विद्यालय का सूचना पट्ट भी एक आकर्षक स्थान है, जहां विद्यालयों की दैनंदिनी व बच्चों का कोना, जहां बच्चों की रचनात्मकता को स्थान दिया गया है, देखने योग्य है। वर्ग 1 एवं 2 के बच्चों द्वारा की जा रही गतिविधि इस ओर इशारा करता है कि शिक्षक ने चाहक प्रशिक्षण को वर्ग कक्ष में उतारने का भरपूर व पुरजोर प्रयास किया है। बच्चों की उपस्थिति 100% रहती है। ड्रॉप आउट की विद्यालय में कोई समस्या नहीं है। बीच बीच में शिक्षा से जुड़े लोगों व जीवन में सफल रहे युवाओं को आमंत्रित किया जाता है और उनसे सफलता से जुड़ी कहानी बच्चों के बीच में रखवाई जाती है। शनिवार को बैगलेस सैटरडे का अक्षरशः पालन होता है। अलग अलग टीएलएम द्वारा बच्चे विविध प्रकार की गतिविधि करते हैं। बीच बीच में शिक्षक विविध प्रकार के प्रशिक्षणों में भाग लेते हैं और नवाचारी विधि से शिक्षा में रत रहते हैं। राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया के प्रधानाध्यापक का प्रयास सराहनीय है, जिसका फलाफल यह है कि यहाँ की शिक्षण विधियाँ छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की शिक्षण विधियाँ अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय है, जिसे एक रोल मॉडल विद्यालय के रूप में भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।